चलो ठीक है, वापस आ जाओ। हम बात कर रहे थे सर्किल की, है ना। हाँ, थोड़ा सा अपन ये यहाँ समझ ले, पहले समझ लो कि सर्कल रियलिटी में सर्कल का यूज क्या है। ये सर्कल है, है सर्कल। चलो, इसमें ये जो पैरामीटर दिख रहा है बाउंड्री, और एक चीज़ है जो अंदर है वो है एरिया। हमें ये पता है कि इससे ज़्यादा आपको और बारीक डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं। बारीक का मतलब आपको सेंटर पता है, सेंटर पता है, हाँ, रेडियस पता है, डायमीटर, डायमीटर वैदिक, रेडियस पता है, हाँ वैदिक। सर हिंदी में बता दो। व्यास। कैसा? व्यास त्रिज्या। सर व्यास त्रिज्या। सर सर जीबा ऐसा नाम है। चलो उत्ते में हो ही जाएगा, सोचोगे दोबारा नहीं बताएंगे। देखो ये क्या है, सेंटर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, केंद्र। ढंग से देखते जाओ ना, जल्दी जल्दी से, समय कम है अपने पास। हाँ, दूसरी चीज देखें, सेंटर से परिधि तक, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की कोई भी लाइन, जरूरी नहीं कि यही हो, कोई भी हो सकती है, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, रेडियस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या। समझे। अब रेडियस क्या होती है, यहां से मान लो हम शुरू करें और सेंटर से सीधा जाइए, यहां से घूमते हुए यहां तक आए, तो इसको पूरे को क्या बोलोगे, डायमीटर, डायमीटर। हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। अब ठीक, केंद्रक, त्रिज्या, व्यास, ये परिधि। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। क्लियर। और कुछ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिए। अब इससे लो चलेंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा सा तेज चलेंगे तो थोड़े से ज़्यादा समझने की कोशिश करो, है ना। हम स्लो चलते रहेंगे तो आराम से ठंडे होके खड़े हो जाएंगे, तुम कहोगे ठीक है, आ गया समझ में। एक चीज़ और बची इसमें, जीवा। yes, है ना। तो जीवा क्या होती है, हम बता दे रहे नहीं। हाँ, परिधि से, देखो परिधि से ये परिधि तक तो ये भी जा रही, लेकिन ये केंद्र से होते हुए जा रही, ये सेंटर से जा रही है, तो इसको हम जीवा नहीं बोलेंगे, कॉर्ड नहीं बोलेंगे। अरे इंग्लिश में जीवा को कॉर्ड बोलते हैं। ये सरकमफेरेंस से यहाँ तक, ये लाइन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुना है ये। हाँ, हिंदी में इसको कहते हैं जीवा। खत्म। अच्छा, ये भी सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस तक, और ये भी सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस तक, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर। पूरा रफ कर दें। yes, sir. इससे ज्यादा हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सीधा इन दोनों की। हमें ये पैरामीटर पता करना हो या एरिया पता करना हो। एरिया मतलब ये पूरा बीच का, ये जो है ना, ये अपन इसको ऐसे फिल कर दें, है ना, एरिया। तो इसमें एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, और वो है ये पाई। लेकिन पाई से पहले आपको टू का मतलब पता होता है, टू का मतलब टू ही होता है, आर का मतलब क्या होता है, रेडियस। रेडियस ये देख लो ना, रेडियस। रेडियर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। रेडियस को कैसे बताते हैं, त्रिज्या को कैसे बताते हैं, आवाज क्यों नहीं आ रही, ठीक है, छोटा वाला आर। क्लियर। ये आ रहा नहीं आ रहा,
आ रहा, आधे आ रहे, अरे हाँ चलो, ये बात आई समझ में? ओके, अब हम देखें, टू पता है, आर पता है, ये पाई कौन सी वाला है? सर उसकी जगह सर 3.14 भी लिख सकते। ये भी सही है, दोनों ने सही बोली। पाई की वैल्यू क्या है भैया? 22/7। हाँ, ये भी लिखते हैं। कुछ लोगों के दिमाग से बाहर जा रहा है, है ना? सुना है ये? हाँ, सब पढ़ा भी। तुम्हें आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा, नहीं आया। बहुत बढ़िया, देखो देखो, यहाँ देखना अच्छे से, ये है सिंबल है पाई का, है ना? इसको बड़ा इसलिए दिखाया है, पाई का मतलब होता है कोई भी सर्कुलर वैल्यू। पाई मतलब पाई मतलब जब भी सर्कुलर वैल्यू का डिस्कशन होगा, चाहे उसका रेडियस की बात करें, चाहे उसके क्या बोलते हैं पैरामीटर की बात करें, मीन सर्कमफ्रेंस की बात करें, चाहे एरिया की, काय काय की, इन तीन में से कछु की भी बात करो, वो पाई बीच में आएगा। हाँ, अब कहानी तो अपने लिए बेसिकली समझने की ये है, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। लेकिन देखो, ये एक सर्कल है, आ नहीं रहा होगा, आ गया, इसको अपन बोलते हैं पाई। तुमने सुना होगा पाई चार्ट? यस सर। इस सर्कल को पाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। पाई मतलब गोला, एक चका, ये पाई है। तो इसका जो वैल्यू हम किस चीज़ से नापते हैं, मींस ये देख रहा ना, ये पूरा मान लो हम इसको तार से बनाएं, एक तार लिया अपन ने, है ना, तार तो रखा भी है अपने पास, ये देख रहा, ये रहा तार, ये देख रहा, ये तार देख रहा, सुनो, मान लो ये जो तार दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा, अच्छे से देखना, हमने इससे सर्कल बनाया, है ना, ये बना सर्कल, बन गया, ठीक है ना, दिख रहा है? अगर हम इसको सीधा करें, सीधा करें, और इसके इसको तीन बराबर हिस्सों में बांटें, हाँ क्योंकि समय कम है, चलो देखो, हमने बोला था तुमसे ये पूरी कितने, अब कितना था ये तार? 21 सेंटीमीटर का, कितने का था? 21 मतलब 21 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे ही हमने इसको मोड़ा, इसको तीन हिस्सों में मोड़ा, तो कितने कितने का बना? हाँ, तो एक जो सर्किल होता है ना, एक जो सर्किल है, तो आप ऐसे समझो, मतलब 7-7 का बना था। अच्छा, हमने इसको 300 में किया, 7-7 का बनाया। अब तुमको पता है जो 7 है ना, जैसे ये सर्किल था, मान लो हमने सीधा किया था, तो उसका जो डायमीटर होता है ना, वो 7 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। कितना होगा सेंटीमीटर? कितने सेंटीमीटर होगा? 7 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर का 3 गुना उसकी क्या होती है? सर्कमफेरेंस। हिंदी में सुनो, व्यास की 3 गुना क्या होती है? उसकी परिधि। इसलिए हम क्या लिखते हैं? हम उसको 21/7 नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं 22/7। कुछ आ रही कहानी समझ में? मतलब परिधि बटे व्यास। ये फॉर्मूला सिलेंडर में भी चलता है। हाँ, परिधि बटे परिधि बटे व्यास, समझे? इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? परिधि बटे व्यास। अभी तुम सोच रहे, हमने 7-7 का बनाया था, ये 21 की जगह 22 क्यों लिखा? अरे सर, एक को आम बढ़ा दिए, उसका रीजन नहीं पता। सुनो,
क्योंकि वो 7 तारीख कैसे एग्जैक्ट नहीं होती, तुमने देखा होगा। अब भी किसी ने बोला था ये 3.14, ये जो 14 आ रहा ना, ये बढ़ के लगभग 22 के आसपास पहुंच जाता है, है ना, समझ गए। इसलिए हाँ देखो सुनना, तो 22/7 समझे। तो जब भी हमें परिधि पता करनी हो, सुनते जाना, क्या पता करनी हो, परिधि, तो भी हमें मिल जाएगी। त्रिज्या पता करनी हो तो भी मिल जाएगी, है ना, और व्यास पता करना हो तो भी मिल जाएगी। इसी एक चीज से, इस एक चीज से देखना, भी बहुत मज़ेदार, समझे। हमने कहा लेंगे उसको, तो इससे पहले हम इसको आगे बढ़ाएं, नोट डाउन कर लो फटाक से।